अब अलग अलग काम के लिए अलग अलग ऐप नहीं, हर दुकानदार की बस एक ही ऐप बिग ब्लिस। बिग ब्लिस चुने, केवल 30 सेकंड में अपने स्टोर को दुनिया के सामने लाएं, अपने कारोबार को बढ़ाएं, मुनाफा कमाएं, खुशियां कमाएं। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में इस बार खरीफ फसल की सोयाबीन को दीपावली के बाद अच्छे दाम मिलने से किसानों में राहत थी, लेकिन बीते एक सप्ताह से प्रति क्विंटल दाम लगभग 500 से 600 रुपए कम होने से अब किसानों में चिंता छा गई है। फिलहाल सोयाबीन के दामों में कमी और उछाल को लेकर कोई गारंटी नहीं है। बीते 15 दिनों में इसके दाम कम अधिक होने के बाद बाजार मंडियों में पिछले 3 दिनों से 6200 से 6500 रुपए क्विंटल बने हुए हैं। बता दें कि फिलहाल सरकारी खरीदी बंद है, जिससे व्यापारिक स्तर पर मंडियों में इसकी खरीदी की जा रही है, लेकिन सोयाबीन के दर्जे को देखकर नीलामी के दौरान व्यापारी सोयाबीन के दाम तय कर रहे हैं। बता दें कि दीपावली के बाद सोयाबीन के दाम 7000 रुपए प्रति क्विंटल तक बढ़ने से किसानों में खुशी भी नजर आई थी, जिससे बाजार मंडियों में सोयाबीन की आवक बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी थी। डेढ़ महीने में सोयाबीन के दाम लगभग 2000 रुपए प्रति क्विंटल बढ़े थे। दीपावली के बाद यह दाम लगातार बढ़ने से किसानों ने अपने घरों में रखी सोयाबीन बाजार में लेकर आए, लेकिन अब यह दाम कम हो रहे हैं। बाजारों में दामों में उतार चढ़ाव और केंद्र सरकार के विदेशों से सोयाबीन और सोयाखली आयात करने के फैसले पर संभ्रम होने के बाद अब किसानों में सोयाबीन के दामों पर चिंता छाई हुई है। विदेशों से सोयाखली निर्यात पर रोक लगाने से दीपावली के बाद सोयाबीन के दर बढ़ी थी, लेकिन आवक अधिक होने से अब दाम स्थिर हो चुके हैं। जिले में फिलहाल कहीं भी इसे प्रति क्विंटल 7000 रुपए दाम नहीं मिल रहा है। बीते एक सप्ताह से सोयाबीन के दाम लगातार स्थिर बने हुए हैं, जबकि किसानों को खेती कामों के लिए पैसों की जरूरत होने से मंडियों में अब जैसे दाम मिल रहे हैं उसी तर्ज पर किसान अपना सोयाबीन भंडार बेचने में लगे हैं। इसी बीच कृषि विभाग द्वारा दी जा रही जानकारी के मुताबिक फिलहाल बाजार में सोया पदार्थों, तेल और अन्य पदार्थों के इस्तेमाल के लिए सोयाबीन की जरूरत पड़ेगी। इसकी अगली खरीफ फसल के लिए सोयाबीन की बुआई बढ़ेगी, इसके लिए बीजों की जरूरत भी होगी। ऐसे में बाजार मंडियों में सोयाबीन आवक बढ़ने पर दाम अधिक कम नहीं होंगे, लेकिन ये स्थिर होंगे। यदि सरकार सोया खली निर्यात ना करने पर अड़िग रहती है तब इसके दाम इससे अधिक नहीं गिरेंगे, जिससे किसानों को अधिक नुकसान नहीं पहुंचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।